हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ किचन के यूज़फुल टिप्स, जिन्हें फॉलो करके मैं मेरे किचन को क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखती हूं। ये बहुत ही बेसिक टिप्स है, आप में से बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे किचन में कटलरी होल्डर को हैंग किया है। इसकी वजह से काउंटर टॉप पूरा खाली रहता है और रेगुलर कटलरी को मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, जैसे स्पून्स, नाइफ, सीजर्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हैंग करके रखने से वो सारी चीज़ें विजिबल हो जाती है और ईजी टू एक्सेस हो जाती है। सिंक एरिया में मैंने एक सिंक ऑर्गेनाइज़र को प्लेस किया है। आप चाहे तो किसी ट्रे या फिर बास्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से काउंटर टॉप पूरा खाली रहता है। और इस सिंक ऑर्गेनाइज़र की खास बात ये है कि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पार्ट पे स्क्रबर को होल्ड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है वो पूरा सिंक में चला जाता है डायरेक्टली। इस तरह से सिंक ऑर्गेनाइज़र को मैं डिश लिक्विड स्क्रबर को होल्ड करने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे सिंक एरिया बहुत क्लटर फ्री लगता है। जब भी मैं लिक्विड पाउच या फिर बॉटल यूज़ करती थी तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मुझे यूज़ करना। तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने लिक्विड डिस्पेंसर्स बॉटल्स यूज़ करना स्टार्ट किया है। ये बहुत हैंडी है और इसे यूज़ करने के बाद मेरा किचन का काम बहुत ईजी हो गया और सिंक एरिया भी वेल ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री हो गया है। डेलिकेट क्रॉकरी जैसे कप मग्स को मैं सिंक में वॉश कर लेती हूँ और उसे ड्राई करने के लिए इस डिश ड्रेनर बास्केट का यूज़ करती हूँ। इसमें होल्स दिए हुए हैं तो वाटर ड्रेन हो जाता है और उसके बाद मैं बास्केट को उठा के काउंटर टॉप को वाइप कर लेती हूँ। जब भी मैं यूटेंसिल्स ड्राई हो जाते हैं तो उन्हें फिर से उनकी जगह रख देती हूँ और ये डिश ड्रेनर बास्केट फोल्ड हो जाती है। तो इसे मैं कॉर्नर में प्लेस करती हूँ या फिर ड्रॉवर में रख देती हूँ। ये बास्केट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती और आफ्टर यूज़ आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट स्लाइस या फिर कट करते वक्त कचरा इस तरह की गार्बेज बैग में डालना चाहिए। नीचे काउंटर टॉप पर डालने से वो और चीज़ों को लगने का भी डर रहता है और वो काउंटर टॉप को क्लटर कर देता है। तो इसकी बजाय आप इस तरह की डस्टबिन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कचरा डाल सकते हैं और ये छोटी सी डस्टबिन आपके काउंटर टॉप पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ आपको काउंटर टॉप को वाइप करना है और आपका काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है। जब भी मैं नाइफ स्लाइसर यूज़ करती हूँ उसे तुरंत धो लेती हूँ। इसकी वजह से उसकी एजेस शार्प रहती है और ड्राई होने के लिए बास्केट में रख देती हूँ या फिर आप डिश ड्राइंग मैट का भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर को हम लोग किचन में रोज़ यूज़ करते हैं। जो भी जार हम लोग ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं उस जार को पानी से तुरंत धो के फिर एक बूंद लिक्विड का लेके उसे क्लीन करने से उसकी ब्लेड शार्प रहती है और लॉन्ग लाइफ रहती है। उसके बाद मिक्सर को भी मैं तुरंत क्लीन करती हूँ ताकि जो भी चिकनाहट है वो निकल जाए और मिक्सर क्लीन रहे। और उसके बाद मैं उसको वापस उसकी जगह प्लेस कर देती हूँ ताकि किचन वेल ऑर्गेनाइज लगे। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसे छौंका लगाती हूँ तो उसे तुरंत लिड से कवर करती हूँ। लीड से कवर करने से जो भी छींटे हैं वो गैस स्टोव पे, काउंटर टॉप पे या फिर किचन टाइल्स पे नहीं गिरते हैं और क्लीनिंग में आसानी होती है। और इस तरह लीड से कवर करने के सब्ज़ी के फ्लेवर्स एज इट इज़ रहते हैं और सब्ज़ी टेस्टी बनती है। रोटी बनाते वक्त मैं किचन टाल का यूज़ करती हूँ ताकि रोटी बनाते वक्त जो भी आटा काउंटर टॉप पे गिरता है वो ना गिरे और किचन क्लीन रहे।
सबसे मुश्किल काम होता है सिंक को क्लीन करना। आप जब भी स्क्रबर से इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद टैप वाटर से उसे धोने की कोशिश करते हैं तो ये टैप वाटर से चारों ओर से अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। मैं इस तरह के फॉसेट स्प्रेयर का यूज़ करती हूँ। ये 360 डिग्री तक रोटेट होता है और सिंक को चारों ओर से क्लीन कर देता है। ये दो तरह काम करता है, एज ए टैप और एज ए स्प्रेयर। इसको आप नीचे करेंगे तो ये स्प्रेयर की तरह काम करेगा और इसे आप ऊपर करेंगे तो ये एज ए टैप की तरह काम करेगा। इस तरह ये टैप की तरह काम करता है और थोड़ा नीचे करने से ये एज ए स्प्रेयर की तरह काम करता है और सिंक को चारों ओर से क्लीन कर देता है। लास्ट में मैं बस क्लोथ से काउंटर टॉप को वाइप कर लेती हूँ और बहुत सारा टाइम मेरे लिए सेव हो जाता है इस टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ किचन टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ मेरे किचन को क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।